रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शाहबाज अहमद मलिक और मैं आपको सब्जेक्ट एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा। जो एग्रीकल्चर में हमारा सेक्टर जो क्लास आता है वो है डेयरी फार्मिंग। आज हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या है? डेयरी फार्मिंग की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो वो ये हैं, डेयरी फार्मिंग इज़ ए क्लास ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क विच इज़ प्रोसेस्ड फॉर इवेंचुअल सेल ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। मतलब ये एक क्लास है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर सेक्टर का एक क्लास है। तो जिसमें हम मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जो भी डेयरी एनिमल्स हैं उनसे मिल्क हासिल करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं इन किसी भी डेयरी फार्म में। किस लिए? ताकि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स निकले उनकी सेल हो जाए, उनको हम बेच सकते हैं। डेयरी फार्मिंग जो है इज़ ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये एक पार्ट है एग्रीकल्चर का, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ये पार्ट है किसका? एग्रीकल्चर का। वी नो दैट अबाउट 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज एंड रिमेन्स डिपेंड ऑन लाइव स्टॉक। हमें ये भी पता है अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो उनकी जो 70% पॉपुलेशन है, 70% जो भी पॉपुलेशन है, लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं? विलेज में, रूरल एरियाज में रहते हैं। और वो किस पर डिपेंड रहते हैं? लाइव स्टॉक पर। दैट मीन्स इन्हीं एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। दे गेट हाई क्वालिटी ऑफ फूड फ्रॉम दीज डेयरी एनिमल्स सच एज मिल्क, चीज़, बटर, घी एट्सेट्रा। ये लोग इनसे क्या हासिल करते हैं? जो भी रूरल पीपल है वो मिल्क हासिल करते हैं, चीज़ हासिल करते हैं, बटर, घी एट्सेट्रा हासिल करते हैं। जब भी हम डेयरी में मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे हम फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल, जैसे चीज़ बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स इससे फिर हासिल होते हैं। इंडिया इज़ नॉट ओनली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बट आल्सो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मिल्क। जो इंडिया है वो ओनली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क नहीं है, यहाँ मिल्क बहुत प्रोड्यूस होता है पर उसके साथ साथ मिल्क यहाँ पर कंज्यूम भी बहुत किया जाता है, मतलब इस्तेमाल में भी बहुत लाया जाता है। डेयरी फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर की बात करें, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्या है डिपेंडेंट? कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो डेयरी एनिमल्स के लिए हमें उधर से फीड फोडर मिलता है, जो भी घास वास डेयरी एनिमल्स खाते हैं वो हम एग्रीकल्चर से हासिल करते हैं, या फीड जो भी है वो भी हम एग्रीकल्चर से हासिल करते हैं। इसके बरक्स अगर जो हम डेयरी एनिमल्स से हम मिल्क हासिल करते हैं, मैनवर जो भी काउडंग है वगैरह उससे जो मैनवर निकलता है वो एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसके उससे जो है जो एग्रीकल्चर जो भी लैंड है उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है ना। तो ये दो डिपेंडेंट हैं ऑन ईच अदर। डेयरी फार्मिंग आल्सो लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो डेयरी फार्मिंग से इकोनॉमिक
इकॉनमी में बहुत डेवलपमेंट हुई है हर जगह, हर किसी मुल्क में। तो इस क्योंकि डेयरी फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसकी आज ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो मिल्क है वो हर कंट्री में कंज्यूम किया जाता है, एज ए फूड उसको कंज्यूम किया जाता है। तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है एक कंट्री की। इट प्रोवाइड्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अगर रूरल दोनों में देखे, रूरल एंड ज़्यादा रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में भी एक ज़रिया है किसका, एम्प्लॉयमेंट का। यहाँ पर इसमें बहुत सारे लेबर्स लगते हैं, किसी भी डेयरी फार्म में अगर अच्छा बड़ा डेयरी फार्म हो बहुत सारे लेबर्स लगते हैं तो उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलती है, मतलब कि वो अपना दिन जो है अच्छी तरह गुजार सकते हैं किसी भी डेयरी फार्म में काम करके। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट ऑफ 2017-2018 बाई डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री डेयरिंग फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अबाउट 28.6% कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर सेक्टर इज फ्रॉम डेयरी फार्मिंग। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है तो इसको आप काउंट नहीं करना, ये डिपेंड नहीं है। यहाँ पर 28.6% है तो इसको मैं थोड़ा काटने की कोशिश करूँगा यहाँ। हाँ, ये मैंने काट दिया। अब आगे चलते हैं। 28.6% कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ फ्रॉम डेयरी फार्मिंग। जो डेयरी क्लास हैं एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डेयरी, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन देखें इकॉनमी में 100% ले लें हम फिलहाल, उसमें से 28.6% कहाँ से आता है, डेयरी फार्मिंग से आता है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, तो अल्लाह हाफिज़। कल से हम आगे बढ़ेंगे।